कलर कोड क्या होते हैं? कलर कोड देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं पेंट के, तो उनके अपने कुछ कलर कोड होते हैं, और आपको ना कलर कोड का जो ट्रैप होता है ना, इसमें आपको स्टक नहीं होना है। रीजन उसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कलर कोड वो कोड होते हैं जो कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर वो आपको बताते हैं कि आप अपने वॉल पे जो है वो इस तरीके के पेंट को यूज कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीजें जो कि इसके अलावा भी जो है वो काम करती हैं, जो कि वो आपको नहीं बताते हैं, और वो चीजों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि आपके कलर कोड को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आप कोई भी कलर कोड को आप अच्छे से अच्छे छाट के ले आइए, जब तक कि एक्चुअल में इन सब चीजों के साथ आप तालमेल नहीं बिठाएंगे ना, तो वो कलर कोड आपका अच्छा निकल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं आसपास की सराउंडिंग के बारे में कि जो भी कलर कोड आप वॉल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे आपका फर्नीचर वो किस कलर का है, आपका फ्लोरिंग किस कलर की हो रखी है, आपके डेकोर कौन से कलर के हैं, आपके फैन कौन से कलर के हैं, फिर आपके रूम में जो लाइटिंग है उसका सोर्स क्या है, और बेसिकली वहां पर जो किस इंटेंसिटी की लाइट आती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया वहां पर 12 महीने ठंड रहती है तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी लाइट की, और अगर वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है तो उस लाइट की इंटेंसिटी जो वहां पर अलग होगी। और अगर हम डे लाइट के बारे में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज की डे लाइट जो आपको मिलेंगी, तो बेसिकली डिपेंड करते हैं कंपास डायरेक्शन है क्या। और फिर दोस्तों एक टर्म आती है कलर शिफ्ट। तो कलर शिफ्ट में क्या होता है कि आपने कोई कलर को सिलेक्ट करा और जो डे लाइट है या फिर जो नेचुरल लाइट है ना, उस कलर को जो आपने पर्टिकुलर यूज करा उसका शिफ्ट कर दिया उस कलर को, उसने जो कुछ और ही कलर बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं कलर शिफ्ट। तो आपको पता है कि जो डे लाइट होती है ना, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कलर को, और कलर शिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएट करती है। तो बेसिकली ऐसे एरिया जहां पे कि आपकी नेचुरल और डे लाइट काफी ज्यादा आती है, तो आपको इन फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर करना चाहिए। और तो इसके अलावा जो विंडो की जो पोजीशन है वो तो करती ही करती है, इसके अलावा आपका हाउस की लोकेशन क्या है, आपका लाइट का जो मूवमेंट है थ्रू आउट द डे या फिर थ्रू आउट द सीजन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जैसे कि हम इस सीरीज में पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका जो नॉर्थ का जो एरिया होता है वो आपका काफी ज्यादा कूलर रहता है अगर हम कंपेयर करें उसकी साउथ के एरिया से, तो ये भी एक पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ये पता चला है कि जो कलर कोड होते हैं ना, जो आप कलर कोड सेलेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल में इन फैक्टर्स की वजह से आप जब अपने घरों में यूज करते हैं तो वो जो कलर कोड आपने सेलेक्ट किया ना, वो डिफरेंट ही बन जाता है। तो इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि जो कलर आप यूज कर रहे हैं वो आपकी साइट पे अप्लाई होकर के वही कलर जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज का जो डिसीजन है वो आपको लेना है। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है जो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।